अभी फ़िलहाल दोपहर का टाइम हो चुका है और खाना खाने का टाइम हो चुका है। तो सुरेंद्र नगर में दोपहर का खाना कुछ अलग तरीके से होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे यहाँ पे आपको शॉप मिल जाएगी। मैं आपको एक राउंड अप दे देता हूँ। सामने की तरफ आपको दिख रहा होगा परोठा हाउस। परोठा शाह का चलन बहुत है, नॉवेल्टी परोठा है, जगदम्बा परोठा है, लक्ष्मी परोठा है, तो बहुत ही मज़ा आएगी। थोड़ा सा अभी गर्मी वाला सीज़न है, अगर ठंडी में आते हो ना तो बहुत ही मज़ा आएगी खाने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ बहुत सारी, देखिए परोठा है, यहाँ पे परोठा है, वहाँ पे परोठा है, आगे भी परोठा है, तो सब जगह परोठा मिल जाएगा और सभी जगह पे टेस्ट बढ़िया ही रहेगा। यहाँ पे लक्ष्मी परोठा है, जहाँ चाहिए वहाँ खा सकते हो, हर जगह का टेस्ट अच्छा ही रहेगा। बट काफ़ी लोकल्स ने मुझे सजेस्ट किया कि आप नॉवेल्टी परोठा वहाँ खाइए और जो मैं अभी आ चुका हूँ वहाँ पे खाइए, तो मैं डेफिनेटली लोकल के साथ जाऊँगा। और यहाँ का सुरेंद्र नगर में, सौराष्ट्र में स्पेशली आफ्टरनून खाने में क्या पसंद करते हैं वो मैं ट्राई करूँगा। वैसे तो गर्मा गर्म अभी अंदर में देख रहा हूँ, भीड़ दिखाई दे रही हो। आप डेफिनेटली हर जगह पे जा सकते हो। तो मैं अभी आ चुका हूँ नॉवेल्टी परोठा हाउस सिंस 1977। तो ये उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो गर्मा गर्म अभी परोठा तो बन रहा है। और क्या बात है, ये गर्मा गर्म ट्राइंगल परोठा बन रहा है और अंदर काफ़ी सारी अभी भीड़ तो लगी पड़ी है। तो मैं अंदर जाकर बैठता हूँ और ये गर्मा गर्म यहाँ पे परोठा बनता ही रहेगा। और ये पापड़ तला जा रहे हो, वो देखिए हाथ से तले जा रहे हो, क्या बात है। फटाफट फटाफट, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है, पापड़ फटाफट तले जा रहा है और एक ट्राइंगल यहाँ पे परोठा मिलता है। अंदर बैठते और देखते कैसा रहेगा। आप देख सकते हो पूरा अभी पैक है, काफ़ी सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, पूरा पैक कर दिया। दोपहर का टाइम हो गया, 12:30 बजने आए हैं और खाने का टाइम हो गया। वैसे तो चारों तरफ आपको खाने की परोठा उसकी वैराइटीज मिल जाएगी, लेकिन स्पेशली मैंने जैसे आपको सजेस्ट किया लोकल्स ने कि आप यहाँ पे ट्राई कीजिए, तो मैं ऑर्डर देता हूँ कुछ। तो अभी मैं पैट गया हूँ और ऑर्डर आ चुका हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अनफॉर्चुनेटली जिसके लिए एक्चुअली मुझे बहुत ही एक्सपेक्टेशन था कि सौराष्ट्र में आऊँगा तो पहला ये मैं सेव टमाटर का साग खाऊँगा, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट एपिसोड बनाऊँगा। ये मैं दो पार्ट में बनाने वाला हूँ सुरेंद्र नगर का एपिसोड। तो मैं दूसरी जगह पर जाऊँगा, डेफिनेटली वहाँ पर सेव टमाटर सब्ज़ी पहले टेस्ट करूँगा। तो दिखा देता हूँ यहाँ पर अभी सब्जी आ चुकी, काफ़ी टेम्पटिंग और टेस्टिंग चटपटी लग रही है। ये है बटेटानू शाह, गुजराती में अगर बटेटा मतलब पोटेटो की सब्जी है, काफ़ी तरी वाली। और मैं देख रहा हूँ उसके छिलके भी नहीं निकाले गए हैं, तो ये कुछ एकदम रफली बनाया हुआ है। ढोकड़ी नू शाह, जो ढोकड़ी मतलब बेसन का होता है, जैसे राजस्थान में गट्टे की सब्ज़ी बोला जाता है, वैसे सौराष्ट्र में ढोकड़ी ही बोला जाता है, ढोकड़ी नू शाह। और ये गर्मा गर्म, ये समोसा नहीं है, ये यहाँ पर परोठा बोला जाता है और परोठा हाउस नाम ही है, जो काफ़ी यहाँ पे लोग पसंद करते हैं खाना, परोठा एंड शाग, मेनली पोटेटो मतलब बटेटा नो शाग पसंद करते हैं। उसके साथ है ओनियन। बिना चाय के सौराष्ट्र में सुबह अधूरी है, वैसे ही खाने में बिना छाछ का सौराष्ट्र में अधूरा हो जाता है भोजन। तो पूरा ये मील मैंने अलग अलग मंगवाया है। सेव टमाटर की सब्ज़ी आज नहीं है, तो मैं गर्मा गर्म परोठा बाहर निकल रहा था और ये पापड़ मंगवा लिया। तो मैं शुरुआत करता हूँ, ये देखिए काफ़ी बढ़िया, और काफ़ी सारे मसाले वगैरह लगे हुए और काफ़ी यहाँ पे भी लोग फैमिली इंजॉय कर रहे थे। मैं फर्स्ट बाइट लेता हूँ यहाँ पे, ये हाँ, ये देख देते लाल लाल तरी। मैंने जैसे बताया था आपको कि गुजरात और सौराष्ट्र का खाना दोनों पूरा डिफरेंट है। जैसे गुजरात में थोड़ा सा स्वीट वाला टच रहता है और यहाँ पर आप देख सकते हो तीखा लहसुनी और ऑयल थोड़ा ज़्यादा रहता है यहाँ पे। तो फर्स्ट बाइट एट परोठा हाउस सुरेंद्र नगर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सॉफ्ट है परोठा और वाओ पोटैटो ना बहुत ही अच्छे से बॉईल किया है, बहुत ही सॉफ्ट, और छिलका नहीं निकाला, उसके पीछे भी रीज़न लग रहा है, उसका अपना ही टेस्ट लग रहा है छिलके का। यहाँ का जो तीखापन धीरे 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 जा रहा है, पोटैटो उसका नेचुरल जो टेस्ट है, लेकिन बाद में जो काठियावाड़ी ओरिजिनली सौराष्ट्रियन टेस्ट लगता है। और ये ढोकली देखिए, लुक बेसन का खट्टा जो होता है वैसा ही है। भीड़ काफ़ी है तो मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा जल्दी खाने के लिए, क्योंकि छोटी सी जगह है। और ये देखिए ढोकली वाला,
बहुत ही सॉफ्ट, हल्का सा खट्टापन, तो बाद में लास्ट में वो तीखा चटपटा टेस्ट जो काठियावाड़ की सौराष्ट्र की पहचान है, तीखा और चटपटा। ये जो बेसन का खट्टा है ना, हल्का सा खट्टापन आ रहा है और काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी सॉफ्ट। और ये पराठा ट्रायंगल जो मैंने थोड़ा सा खाया है, गेहूं का बना है और फ्रेशली गर्मा गर्म बाहर बनते ही जा रहा है। बस आज सेव टमाटर की सब्ज़ी नहीं है, वो थोड़ा सा है, लेकिन मैं दूसरी जगह पे जब जाऊंगा वो तब मैं कर दूंगा। ये आप देख सकते हो तरी, देखिए आप, तीखा तीखा तरी और बेसन का खट्टा जो है, जो ढोकड़ी बोला जाता है, बहुत ही सॉफ्ट है, काफ़ी डिफरेंट, बहुत बेहतरीन। गुजरात क्यूजिन से बहुत ही अलग है काठियावाड़ सौराष्ट्र का क्यूजिन। सिमिलरिटी आपको फूड मेनू में मिल जाएगी, लेकिन टेस्ट में यहाँ पे स्वीटनेस नहीं है, खट्टापन है, हल्का स्वीटनेस है। लास्ट में जो लहसुनी और तड़के वाला जो तीखा टेस्ट दे रहा है, बहुत बढ़िया। और ये आलू जो है बड़े बड़े पीस किए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, बड़े बड़े पीस किए हुए बॉइल्ड आलू, ऊपर छिलका। तो यहाँ पे मैं परोठा, बटाटा मिशाक और ढोकड़ी मिशाक और साथ में बटर मिल्क ख़त्म करता हूँ। और नेक्स्ट देखते हैं क्या और सरप्राइजिंग मिलता है, बढ़ते हैं आगे सुरेंद्रनगर सौराष्ट्र फूड टूर में, बने रहिए। Okay.